नमस्कार, मैं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई के बाघराल पाड़ा में उपस्थित हैं। आप यहां की ताजा तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि लगातार अवैध बांध कामों का सिलसिला किस तरीके से जारी है। लगातार मॉनसून जिस तरीके से कहर बरपा रहा है, उसके तहत आप देख ही पा रहे होंगे कि लगातार एक एक कर चट्टानों के खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे वसई की बात कर ली जाए या फिर चिपलून की बात कर ली जाए, और पिछले वर्ष की घटना अब तक कोई भूल नहीं पाया होगा। महाड़ में जिस तरीके से पहाड़ गिरा था, कई घर बर्बाद हो गए थे, कई लोगों का परिवार उजड़ गया था, किसी के हाथ मिल रहे थे, किसी का पैर मिल रहा था। एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात थी। और आज वसई के बाघराल पाड़ा की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आज एक परिवार पर इसी तरह से कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। कुदरत का कहर कह ले या फिर जिस तरीके से अवैध बांध काम किया जा रहा है, उसका कहर कहीं ना कहीं आज एक मासूम परिवार को भुगतना पड़ा। जिस तरीके से वसई के बाघराल पाड़ा में लगातार अवैध बांध कामों का तांता लगातार जारी है, जिस तरीके से अवैध बांध काम यहां पर पनप रहा है, आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे हरित वसई को बर्बाद करने के लिए किस तरीके से। यहां पर आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, यहां से आप चारों तरफ की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। वहां पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से चट्टान खिसक गया है, और उसके बाद वहां पर लगातार कार्रवाई जारी है। लगातार यहाँ पर सुबह से या फिर अग्निशमन दल कह ले या तमाम पुलिसकर्मी हो, एनडीआरएफ के जवान और चिकित्सकीय विभाग के लोग, लगातार सुबह से उन सभी की तैनाती यहाँ पर जारी है और यहाँ पर राहत और बचाव कार्य लगातार सुबह से जारी है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर अवैध बांध कामों का भरमार है, और यहाँ पर जितने भी लोगों का घर है सभी की जान कहीं ना कहीं खतरे में है। और यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर खुलेआम किस तरीके से यहाँ पर अवैध बांध काम किया जा रहा है, और लगातार बरसात जिस तरीके से अपना कहर बरपा रही है, उसी के चलते कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देखने मिल रही हैं। अगर लगातार इसी तरीके से चलता रहा तो आगे न जाने और क्या कुछ तस्वीरें देखने मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बाघराल पाड़ा में जो अवैध बांध काम किया जाता है, इसको लेकर तमाम पक्ष लगातार लेटरबाजी करते रहती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। आज यहाँ पर जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, उसके बाद यहाँ पर तमाम अधिकारी आए और आकर यहाँ के मौजूदा हालात का जायजा लिया, लेकिन जो परिवार पर आप बीती है ये तो वो ही लोग जान सकते हैं। इसके अलावा अब देखना ये होगा कि इसके बाद शासन और प्रशासन, जो कि इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार है, वो कितनी उचित कार्रवाई करती है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।